फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, बड़ों में कितने दांत पाए जाते हैं, वो कौन से दांत हैं जो बच्चों में एबसेंट होते हैं, और नॉर्मल जो बच्चों के दांतों हैं उनका क्या नाम है। थोड़ा नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो आपको बींग अ पेरेंट पता होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जबाड़ा होता है, जो मुंह है, उसके ऊपर के दांत हैं, नीचे के दांत हैं। तो जो ऊपर वाला जबाड़ा है वो कहलाता है मैक्सिला, और जो नीचे वाला जबाड़ा है वो कहलाता है मैंडिबल। अगर हम दांतों की बात करें तो दांत आगे के होते हैं, दांत पीछे के होते हैं। जो आगे वाले दांत है वो कहलाते हैं एंटीरियर, और जो पीछे वाले दांत है वो कहलाते हैं पोस्टीरियर। तो ये आगे के दांत कौन से हैं और पीछे के दांत कौन से हैं? बच्चों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 20, और जो बड़े हैं उनके अंदर दांत पाए जाते हैं 32। तो ऐसे कौन से दांत हैं जो बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते? तो ये सब हम डेमो में जानेंगे। एक एक दांत को मैं दिखा के आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि कौन कौन से दांत हैं, किसका क्या नाम है। तो आगे इसको वीडियो को डेमो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर हम दांतों की बात करें तो ये है आपका जो ऊपर वाला जबाड़ा, जिसको मैंने बोला था मैक्सिला, और ये है आपका नीचे वाला जबाड़ा, जिसको मैंने बोला था मैंडिबल। तो जो ऊपर के दांत होते हैं वो मैक्सिलरी टीथ हैं, और जो नीचे वाले हैं वो मैंडिबुलर टीथ हैं। अगर हम दांतों की बात करें तो ये जो बीच वाले दांत हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, ये कहलाते हैं इंसाइजर्स, और इनको हम बेसिकली बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स, क्योंकि जो इनके साइड वाले दांत हैं ये भी इंसाइजर्स हैं, बट ये लेटरल इंसाइजर्स हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 इंसाइजर्स हैं ऊपर भी और नीचे भी, 1, 2, 3, 4। उसके साइड की अगर हम बात करें तो एक पॉइंटेड सा जो दांत होता है जो कॉर्नर ऑफ द माउथ पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं केनाइन। वैसे ही इधर भी हमारे पास केनाइन है। अगर हम आगे बात करें तो ये दोनों हैं हमारे पास प्रीमोलर्स, जिसमें ये कहलाता है फर्स्ट प्रीमोलर और ये कहलाता है आपका सेकेंड प्रीमोलर। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास 3 मोलर्स हैं, ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर, और जो थर्ड मोलर है उसको विजडम टूथ या अकलदार भी बोला जाता है। तो ये अगर हम टोटल करें तो ये ऊपर और नीचे के मिला के हमारे पास 32 दांत होते हैं, जो कि हमारे बड़ों के अंदर एडल्ट डेंटिशन में, परमानेंट डेंटिशन में पाए जाते हैं। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के दांत मैंने बताया 20 होते हैं, तो ऐसे कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते? तो देखिए, बच्चों में ये जो पीछे वाले दो दांत हैं ये बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम अकलदार बोलते हैं। उसके साथ साथ जो ये प्रीमोलर्स हैं, जो दो प्रीमोलर्स हमने इधर के कम किए और दो प्रीमोलर्स इधर के कम किए, ये प्रीमोलर्स भी बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही नीचे वाले जबाड़े में भी प्रीमोलर्स और ये विजडम टूथ बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों के दांतों की तो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। और अगर हम इसको टोटल करें तो 1, 2, 3, 4, 5 इधर 5 इधर 10, और ऐसे ही 5 5 मिलाकर 10, तो बन जाते हैं 20। तो बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और बच्चों के अंदर जो विजडम टूथ है, अकल डाढ़ है, वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो अब आपने जान लिया है बहुत अच्छी तरह से कि किस दांत को क्या बोला जाता है। तो अब आगे अगर कभी आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और वो बोले कि आपके बच्चे के केनाइन में कीड़ा लगा है या आपके बच्चे के इंसाइजर में कीड़ा लगा है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कौन से दांत में कीड़ा लगा है। कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पता होनी चाहिए। बीइंग अ पेरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं, बट हमारे बच्चे की जो ओरल कैविटी है, जो बच्चे का मुँह है, जो इतना इम्पॉर्टेंट है उसकी बॉडी के लिए, हम उसी को कई बार इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे के मुंह को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितनी हम बच्चे की पूरी बॉडी को देते हैं, क्योंकि मुंह के थ्रू ही सारी चीजें बच्चे की बॉडी में जा रही हैं, और अगर वो साफ नहीं होगा तो इन्फेक्शन भी बच्चे की बॉडी में डेफिनेटली जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चैनल अगर अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।